सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई सारे बॉलीवुड स्टार्स पर लग रहा है आरोप और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स पर की गई है एफआईआर दर्ज। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती, कीर्ति सेनन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। और ऐसे में अब बहुत बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी सामने आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूरे 9 घंटे तक पूछताछ हुई। हालात देखते हुए रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपने कमेंट सेक्शन को अब बंद कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिया के कुछ ही दोस्तों को कमेंट करने की छूट है। जी हाँ, बता दें कि सोशल मीडिया पर रिया अभी तक शांत है। जब से सुशांत गए हैं वो कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रही। खबरों की माने तो रिया और सुशांत साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों साथ में एक प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे थे। नवंबर में दोनों शादी करने वाले थे। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हाँ, संदीप ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के बाद उनके पास कोई पावरफुल लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने संदीप से पूछा कि सुशांत के अंतिम संस्कार में आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। जी हाँ, बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बंद कर दिए हैं कमेंट सेक्शन, जिसके बाद से उनके यूज़र्स, उनके फैंस लगातार रिया चक्रवर्ती को इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कि आखिर वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर 8 जून को क्यों गई, आधी रात को ऐसा क्या हुआ था कि रिया चक्रवर्ती ने आधी रात को सुशांत को छोड़ने का फैसला लिया, और उसके बाद जब सुशांत ने रिया को कॉल किया तो रिया ने कॉल क्यों नहीं उठाया। कई सारे सवालों से घिरी है रिया चक्रवर्ती, और साथ ही ये भी कहा कि आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी महेश भट्ट के कांटेक्ट में थी, और क्यों महेश भट्ट की बातों में आकर उसने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा। इन सारे सवालों से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर बंद कर दिए कमेंट सेक्शन, जिसे लेकर फिर से खबरों का विषय बन चुकी है रिया चक्रवर्ती। इस बारे में आप सबका क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।